हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को वहीं पर रोक करके ज़्यादा समय ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, एंड बी रूस, एंड सी सऊदी अरब, या फिर इंग्लैंड। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। एक ऐसा देश है जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है। गाइस, सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों, ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, या फिर तीसरे स्थान पर। तो जल्दी से आप अपना राइट आंसर दीजिएगा। दोस्तों, कपड़ा निर्यात में भारत तीसरे स्थान पर माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? आपके ऑप्शन है हीरा, सोना, यूरेनियम, या फिर हीरोइन। तो दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर दीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। संसार की सबसे महंगी वस्तु मानी जाती है। हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, बेबीलोन में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर दिल्ली में। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैंगिंग गार्डन यानी कि बेबीलोन में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? बरगद के, नीम के, चीड़ के, या फिर सागौन के। दोस्तों, चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम और इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा। सारे क्वेश्चन कंटिन्यू जरूर देखिएगा और जिसके आंसर पता है उन्हें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर, बहादुर शाह जफर, बाबर, या मोहम्मद बरी। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको पता होगा अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों, चलिए आपका टाइम शुरू होता है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 15, 18, 22, या फिर 26। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। दोस्तों, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1988 में, 1995 में, या 1997 में, या फिर 1993 में। दोस्तों, भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान कराता है? USA, जापान, ब्रिटेन, या फिर इंग्लैंड। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार USA प्रदान कराता है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? 1991 में, 1985 में, या 1895 में, या फिर 1992 में। दोस्तों, अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा अगर आपको पता है तो। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ हुए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1950 में, या 2001 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में की गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को, नोएडा को, मुंबई को, या फिर लखनऊ को। दोस्तों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? एंड ऑप्शन है दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, या फिर बेंगलोर में।
दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? पाकिस्तान में, जापान में, या फिर नेपाल में, या भूटान में? दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जहां पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है? ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया में, थाईलैंड में, नॉर्वे में, या फिर सऊदी अरब में? दोस्तों अपना राइट आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर 40 मिनट की ही रात होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब पर मौजूद सबसे लंबी वीडियो कितने घंटे की है? तो दोस्तों अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।